हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई फेस। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो कितनी सीट्स हो गई इस बार गेट बी 2025 की एग्जाम में, साथ ही साथ उन यूनिवर्सिटीज की भी बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन सीट्स की भी बात करेंगे जो कि गेट बी के एग्जाम के अंदर, गेट बी के एग्जाम के थ्रू यहाँ पर आपको कोई कोर्स को ऑफर करते हैं। तो बढ़ते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ में। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एक एमएससी प्रोग्राम को ऑफर भी करते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर सीट्स भी देख ली जाए कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है उनके बारे में। तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसी एक स्लाइड के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम इंस्टीट्यूट की बात कर ले, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको मिल जाएगा IIT बॉम्बे, जो कि कौन सा प्रोग्राम को यहाँ पर ऑफर करता है आपको, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के, यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है 20। IIT दिल्ली की बात कर ले, IIT दिल्ली एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम को ऑफर करते हैं और यहाँ पर 25 सीट अवेलेबल है। IIT गुवाहाटी की अगर हम बात कर ले, MTech बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को ऑफर करते हैं जो कि यहाँ पर 30 सीट्स लिए हुए है। नेक्स्ट IIT खड़गपुर, ये MTech बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स को ऑफर करते हैं, इनके पास में 35 सीट्स प्रेजेंट है। और आपको ये सारा पता है कि इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर आपको कौन सी एग्जाम के थ्रू जाना है, कौन सी एग्जाम, गेट बी 2025 की एग्जाम के थ्रू आप इन सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के अंदर अपने MSc प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। IIT रुड़की की बात कर ले, यहाँ आपको MSc बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई MSc प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो कि यहाँ 25 सीट्स को रखता है अपने पास में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जो कि MSc बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को ऑफर करते हैं, जिनके पास 30 सीट अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो कि MSc बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को ऑफर करते हैं, इनके पास अप्रोक्सीमेट 20 सीट्स अवेलेबल है। अन्ना यूनिवर्सिटी MTech बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ सीट्स अवेलेबल करती है और वो भी कितनी सीट्स है इनके पास, 25 सीट्स है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो कि MSc बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स को ऑफर करते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, यहाँ पर 20 सीट अवेलेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT राउरकेला, जहां पर MSc लाइफ साइंस रिलेटेड आपको कोर्स देखने को मिलता है, यहां 15 सीट्स अवेलेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIT दुर्गापुर MSc बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसके पहले हमने जो राउरकेला के अंदर MSc लाइफ साइंस के बारे में पढ़ा, जिनके पास 15 सीट्स अवेलेबल है। और ये इनके पास जहां दुर्गापुर की हम बात करें, यहां पर MSc बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम प्रेजेंट है, जहां पर 10 सीट्स अवेलेबल है। तेजपुर यूनिवर्सिटी MSc मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स आपको ऑफर करते हैं जो कि 25 सीट्स लिए हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकोता MSc बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं, जहाँ पर 20 सीट्स अवेलेबल है। एंड पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी जो कि MSc बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स को आपको ऑफर करते हैं और इनके पास में 15 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी एज ए इंस्टीट्यूट जो कि यहाँ कुछ स्पेसिफिक MSc प्रोग्राम को आपके सामने ऑफर करते हैं, साथ ही साथ इनके पास कुछ स्पेसिफिक सीट्स भी अवेलेबल है। तो आप ये इंफॉर्मेशन गेट बी की साइट पर इनके बुलेटिन के अंदर देख सकते हो, या वहीं से मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए और आपके सामने डायरेक्टली वे के अंदर बताया है। तो आपको वैसे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप वेरीफाई करने के लिए गेट बी की वेबसाइट्स पर, वहां से उनके जो बुलेटिन से प्रॉपर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, वहां से आप इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन जान के मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आप IFAS के थ्रू क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हो कि इनके क्या नाम है, साथ ही साथ इन्होंने कितनी AIR रैंक के थ्रू इन एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। और अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप यहाँ से हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा
एंड्रॉइड आईओएस एंड विंडोज वर्जन के लिए, सबके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपरली बारकोड मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप को, क्योंकि हमारे ऐप के ऊपर वो सारी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जिसको आप टारगेट करते हो और आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो कि किस तरीके के PYQs आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या किस तरीके से एनालिसिस आपको और प्रॉपरली एनालिसिस करता हुआ भी वहां पर मिल जाएगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम्स को सिलेक्ट करके उनके अंदर जितनी भी एज ए इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको डिटेल वे के अंदर मिल जाएगी विद सिलेबस। वो सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगी। तो थैंक यू।